हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन उर्दू। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ और वीडियोस को कैसे हाइड कर सकते हैं, वो भी किसी पासवर्ड और ऐप के बगैर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दबाइए सब्सक्राइब बटन को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो यूट्यूब आपको भेजे नोटिफिकेशन, ए इन्फो उर्दू जस्ट अपलोडेड अ न्यू वीडियो। तो यहाँ मैं अपनी गैलरी या फ़ोटोज़ को ओपन करता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं अपना मोबाइल किसी को देना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे किसी भी फोल्डर में से पिक्स को देखे। तो जैसा कि मेरे पास यहां पर कैमरे का फोल्डर है और व्हाट्सएप इमेजेस, मैं इन दोनों फोल्डर्स को हाइड करना चाहता हूं और इसमें तमाम जो पिक्स हैं वो भी हाइड करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी इनको ना देख सके। तो फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाएँ, और थ्री डॉट पर क्लिक करें और शो हिडन फाइल्स पर क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि कैमरे वाला फोल्डर जो हाइड हो गया था वो वापस आ चुका है। अब अगर हम दोबारा गैलरी में जाते हैं तो अभी भी यहाँ पर वो फोल्डर शो नहीं हो रहे, क्योंकि जिस फोल्डर के आगे भी डॉट होता है वो गैलरी से हाइड रहते हैं। तो हम दोबारा फाइल मैनेजर में जाते हैं और कैमरे को रीनेम करके इसके शुरू में जो डॉट है उसको रिमूव कर देते हैं, और सेम इसी तरह व्हाट्सएप इमेजेस वाले फोल्डर को भी रीनेम करके शुरू में से डॉट को ख़त्म कर देते हैं। तो अब हम दोबारा गैलरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोनों फोल्डर वापस आ चुके हैं और इसमें मौजूद तमाम तस्वीरें भी। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।